कैसे हैं आप सब? आज चलिए अरबी का चोखा बना लेते। ये सब्जी सबको ज़्यादा पसंद नहीं आती है, तो इसीलिए आज हम इसका चोखा बनाएंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे अरबी पाव पिरो लिया है, तो इसे पानी से फुल कर दे रही हूँ ताकि इसकी मिट्टी अच्छे से फुल जाए। तो खूब मैंने यहाँ पे पानी भर दिया है ताकि इसे 10 से 15 मिनट छोड़ दिया जाए, इसकी मिट्टी फूल जाए, ताकि इसमें मिट्टी ना रहे। तो अच्छे से इसे साफ कर लेंगे हम। तो इसे रगड़ रगड़ के साफ कर लेना है। तो इसे मैंने छोड़ दिया था फूलने के लिए, तो 10 से 15 मिनट के बाद इसकी मिट्टी फूल गई है। तो इसे रगड़ के साफ कर लेते हैं। अरबी में हाई मात्रा में प्रोटीन होता है, ये बहुत ही अच्छा रहता है सेहत के लिए। वैसे इसकी सब्जी को ज़्यादा पसंद नहीं करते, मैं जानती हूँ, लेकिन कभी कभार तो हमें इसे खाना ही चाहिए। तो इस तरह से हम बनाएंगे कि आपका मन करेगा रोज खाएं। तो चलिए इसे देखिए, मैंने मिट्टी ऐसे रगड़ दिया, इसकी साफ हो चुकी है। तब देखिए पानी को मैंने चेंज कर दिया है, तो देखिए पानी चेंज हो गया है। तो अब इसे फटा से उबाल लेते हैं। तो यहीं पे देखिए मैंने उबाल दिया है इसे, तो अब इसे छील लेंगे। तो ये देखिए छीलने के बाद कुछ इस तरह से हो गया है, फूट गया है। तो इसे अब देखिए लहसुन मिर्ची अदरक कूट लेंगे हम, और यहीं पे रख देंगे हम कढ़ाई। तो कढ़ाई को गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे हम तेल। तो तेल को जैसे ही गर्म हो जाता है, तो और इसमें क्या करेंगे हम, जीरा डालेंगे। तो जीरा हमारा चटकने लगा है, तो यहीं पे चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन जो हमने कूट के रखा था, तो उसको डाल देंगे। तो अच्छे से चला लेंगे हम अब इसे। तो चला लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज हमारी भून रही है, और यहीं पे भुनने के बाद अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। तो हल्का हल्का सब्जियों को भुनना है, ज्यादा नहीं भुनना है, ताकि सब्जियों का क्रंच बना रहे। अब इसके जरा सा भुनने के बाद इसमें हम डाल देंगे हल्दी, और स्वाद अनुसार ही थोड़ा इसमें नमक डाल देंगे। तो फिर अच्छे से इसे चला लेना है। सब्जियों को हम ज़्यादा नहीं गलाएंगे। अब इसी में हम मैश किए हुए अरबी डाल देंगे। तो अरबी को अच्छे से चला लेना है, मिक्स कर लेना है स्पैचुला से दबा दबा के, ताकि ये अच्छे से इसमें घुल जाए। और धीमी आंच पे इसे पकाते हुए मिक्स कर लेना है। और यहाँ ही साइज में ज्यादा चिल्लन चिल्ली हो रही है, उसे इग्नोर कर दीजिए गाइस, ये घर में पास नहीं है, सब लोग आते जाते चिल्लाते रहते हैं क्या ही कर सकते हैं, तो सॉरी उसके लिए। अब वीडियो पे आ जाते हैं। तो इसे देखिए अरबी कैसे अच्छे से मिक्स हो गई है। तो इस तरह से आप खाएंगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है, और इस पे थोड़ा सा प्याज ऊपर से डाल देंगे, धनिया डाल देंगे। तो इसे बनाने के बाद आप सब्जी को भूल जाएंगे, आपका यही खाने का मन करेगा। तो यहाँ नींबू के साथ मैंने रख दिया है, तो नींबू इस पे डाल के खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में रखे अपना ध्यान। बाय बाय, लव यू लॉट। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय दोस्तों।